आप चाहते हो कि अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने इनविटेशन के लिए कॉलिंग करते हो एंड वो आपके बिजनेस मीटिंग में या फिर प्रेजेंटेशन वीडियो को प्रॉपर तरीके से पूरा एंड तक देखे या फिर आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, अगर आप ऐसे चाहते हो। क्योंकि मैंने जब अपना काम स्टार्टअप किया था ना, तो मेरे को इनविटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। तो मैंने जो स्टेप यूज़ करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड मेरे को जो चीज़ें यूज़ करके मेरे को तगड़ा रिजल्ट मिला, आज मैं इस वीडियो के बारे में उसी चीज़ के बारे में आप इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम अगर आपकी होती इनविटेशन में, तो हियर इज दिस वीडियो। अगर मैं जो स्टेप आपको बताऊंगा, ठीक है, चाहे आप उसको कॉलिंग पे यूज़ करो, चाहे आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ करो, पर उसको एक गाइडलाइन है, आप उसको टेस्टिंग में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप किसी भी बंदे को व्हाट्सएप पे टेस्टिंग करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम करते हो, तो उस टाइम पे ये ट्रिक्स आपके काम नहीं करेंगे। उसके लिए कुछ अलग ट्रिक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, अगर आप चाहते हो तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ऐसे 7 ट्रिक्स आपको बताऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपने इन्विटेशन के टाइम पे। अगर वो ट्रिक्स आप स्टेप बाय स्टेप यूज़ करोगे, तो मैं डैम से और आपको बता सकता हूँ कि आपका अगर आपका रेशियो अभी 5% है, तो विद इन 1 से 2 हफ्ते के अंदर, 1 से 2 वीक के अंदर आपका जो रेशियो है वो 90 से 95% तक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप सही से अगर इस चीज को जानना चाहते हो, तो मैं पर्सनली यूज करके मेरे को बेनिफिट मिला, अगर ये चीज आप समझना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड तक देखो, आपको मैं एक एक चीज हर एक चीज अब मैं आपको बताऊंगा। हेलो एवरीवन, सुमन चंद्र रिसर्च, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर यू पीपल। तो शुरू करते फर्स्ट स्टेप की, सो योरसेल्फ बिजी। अगर आप किसी भी अपने प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो अपने लाइव वेबिनार के लिए या फिर किसी भी बिजनेस मीटिंग के लिए, तो सबसे पहले जो स्टेप है वो आपको अपने आप को खुद को बिजी शो करना है, ठीक है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी रीजन क्या है, अगर आप खुद को अपने बिजी शो करते हो ना, आप खुद भी देखते हो कि अगर कोई भी बंदा आपको आगे बोलता है कि ब्रदर मैं अभी थोड़ा बिजी हूं, तो उसका जो इंटरेस्ट है उसके प्रति आपको और भी बढ़ जाता है ना। तो अगर आप किसी को कॉल करते हो देन उसको अगर बोलते हो कि ब्रदर अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, ठीक है, पर आपको कॉल करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, मेरे को अभी ज्यादा टाइम नहीं मिलता, मैं थोड़ी देर आपसे आपके साथ बात कर पाऊंगा। देन ये पिच अगर फर्स्ट टाइम में अगर आप यूज करते हो ना, तो समझ लो आपका 90 से 95% काम पहले ही होगा, क्योंकि अगर आप वो अपने आप को बिजी शो करते हो देन वो ज्यादा क्वेश्चन में आपको नहीं कर पाएगा। अगर वो ज्यादा क्वेश्चन में आपको करता है, देन आप उसको ये बोल सकते हो कि ब्रदर मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप पहले वेबिनार अटेंड करो, देन हम जो है वो आगे की स्टेप के बारे में बताएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड जो स्टेप आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अपने एक्साइटमेंट इन योर टोन, ठीक है। अगर आप किसी प्रोस्पेक्ट को कॉल करते हो, अगर आपका टोन के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं होगा, जैसे मैं अभी आपको वीडियो दे रहा हूँ, मैंने टोन करता है एक्साइटमेंट वाइब है, ठीक है, जो वाइब से ना वो ट्रांसफर होती है, इस वीडियो को देखने के टाइम पे जो वाइब से वो मेरे से आपको ऊपर ट्रांसफर होती है वीडियो के थ्रू, ठीक है, जो टोन है। तो अगर आप किसी भी पर्सन को कॉल पे बात करते हो, ये साइकोलॉजी फैक्टर समझ लो, ठीक है, क्योंकि काफी बंदे ये इस चीज को मतलब काफी मतलब फॉलो नहीं करते। मान लो वो किसी बंदे को कॉल करते हैं, हाँ जी डियर कैसे हो आप, ऐसे बात करते हैं, ठीक है। पर अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर आप ऐसे बात करोगे, तो पहले ही समझ लो उसका जो आपके व्हाट्सएप पे या फिर वेबिनार पे आने का जो चांस है पहले ही आप लूज कर दोगे। तो हमेशा अपने टोन के अंदर एक्साइटमेंट रखा करो, ठीक है, तभी वो बंदा आपको गौर से आपके जो बात है वो सुनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते जो नेक्स्ट स्टेप की ओर, वो है एप्रिसिएट योर पीपल, ठीक है। अगर आप किसी भी पीपल के साथ, किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करते हो, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जो चीज है वो एप्रिसिएट किया करो। अभी देखो जो इंडिया पे ना, हम जो इंडियंस हैं, पहले तो हम इंडियंस के साथ बात करते हैं, जो इंडियंस है वो एप्रिसिएशन के भूखे हैं, ठीक है। आप किसी को भी अगर फ्री में कोई भी एप्रिसिएशन दे दोगे ना, अगर कोई भी आप मेरे को भी मेरे वीडियो को लाइक करते हो या कमेंट करते हो, मेरे को खुद भी मोटिवेशन मिलता है मैं वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने आपको कभी मिला हूं, ठीक है, कभी नहीं मिला आपसे, मैंने अचानक से आपको मिला, देन मैंने बोला कि ब्रदर आपका ना जो कपड़े आप पहने हुए हो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आपका क्या होगा, आपका अचानक से आपके मुंह पे एक स्माइल आ जाएगा, देन आप क्या करोगे मेरे से बात करने के लिए इंटरेस्ट शो करोगे, ठीक है। तो अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप एप्रिसिएट करते हो, कि आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि ब्रदर आपको मैं आपको जानता हूं, ठीक है, आपका जो ऑब्जेक्शन हैंडल करने का जो तरीका होता है ना, काम को समझने का जो तरीका होता है वो बहुत ही इजी होता है, बहुत ही ओपी होता है, ठीक है, आप बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो उसको, ठीक है। देन अगर आप ये चीज उसको बोलते हो, तो उसको क्या आपके ऊपर एक इंटरेस्ट बिल्ड हो जाता है, देन वो आपकी बात जो है वो गौर से सुनता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप ऐसे बात करोगे, पहले एप्रिसिएशन कर दोगे, देन उसको इन्विटेशन करोगे, तो बेस्ट रिजल्ट वो मिलता है। ये बात आप कहीं पे भी लिख लो, गांठ बांध लो, आपको इन्विटेशन करने से पहले उसको जरूर से जरूर एक बार एप्रिसिएशन करना ही करना है। पर इसमें भी काफी सारा झोल है, ऐसा नहीं कि आप किसी बंदे को एप्रिसिएशन कर दो करते चले जाओ, ठीक है, कोई अंडरस्टैंड एप्रिसिएशन कर दिया, हाँ ब्रदर आपका बालों का कलर बहुत अच्छा है, कपड़े बहुत अच्छे पहने हैं, ठीक है, तो बंदा
फील कर लेता है। अगर किसी बंदे को आप बोलते हो कि एडमिशन एप्लीकेशन कर दो, बंदा ऑलरेडी फील कर लेता है ये बंदा झोल कर रहा है, जानबूझ के मेरे को अप्रिशिएट कर रहा है काम बनाने के, ठीक है। तो जो जेन्युइन अप्रिसिएशन है, जो आपको जेन्युइनली अच्छा लगता है उस बंदे के ऊपर, वही आप बोला करो उस बंदे को। देन ब्रदर आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने का तरीका बहुत अच्छा, आपको बात करके मेरे से बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोल सकते हो उस बंदे को, ठीक है। देन जो चौथा स्टेप के ऊपर हम जानते हैं, पहले तो ये बात आप गांठ बांध लो कि ये जो स्टेप मैं बता रहा हूँ ना, इसको टेक्स्ट टिप में कभी भी यूज मत करना, ठीक है। इसको पहले आप सुन लो, जो मैं ये स्टेप बताने जा रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, टेक्स्टिंग में या फिर मतलब कभी किसी बंदे को आप टेक्स्टिंग में व्हाट्सएप पे हो गया कि मैसेंजर पर अगर उसको इन्विटेशन करते हो ना, तो ये जो ट्रिक्स है ये काम नहीं आएगा, ठीक है, उल्टा आपका काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप टेक्स्टिंग के ऊपर जो ट्रिक्स है वो आप चाहते हो, प्रॉपर जो एक मेथड है वो 7-8 मेथड है, वो जो मैं पर्सनली यूज करके मेरे को बेस्ट रिजल्ट मिलता है, अगर वो चाहते हो मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट करना, मैं अगले वीडियो इसके थ्रू लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, मेक द इनविटेशन शॉर्टली, ठीक है। अगर किसी भी बंदे को आप, चाहे किसी भी लड़का हो लड़की, किसी भी प्रोस्पेक्ट को आप इनविटेशन करते हो ना, तुरंत उसको इनविटेशन कर दिया करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत लंबा इनविटेशन कर दो, आपका कॉल कम से कम, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर हो, ठीक है, अगर किसी को कॉल पे इनविटेशन करते हो ना, देन वो जरूर जरूर मतलब माइंड में रखना कि 2-3 मिनट के अंदर आपका जो इनविटेशन है वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं पे लिख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर उनका जो आपका जो कॉल है वो 5 मिनट के ऊपर जा रहा है, आपका जो काम है वो 90% खराब हो रहा है, वो बंदे का मतलब बहुत ही चांस है वो नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि आप जितना उसके साथ कॉल पे बात करोगे, ठीक है, वो उतना ही मतलब आपको क्वेश्चन पुट कर चला जाएगा, इसे थोड़ा बता दो सर ये क्या चीज है, काम के बारे में थोड़ा सा बता दो, ठीक है, ऐसा बोलते चला जाएगा वो, ठीक है। क्योंकि आपने पहले उसको बिजी शो कर दिया कि ब्रदर मेरे पास टाइम नहीं है, पहले स्टेप के अंदर मैंने बताया, ठीक है। अगर वो ही चीज आप उसको ज्यादातर बात करते हो ना, देन वो क्या सोचेगा, ये बंदा तो पहले ही बिजी था, देन ये बोल रहा ये बिजी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास इनविटेशन करने का कोई भी तरीका ना हो, कोई भी शॉर्ट वीडियो ना हो, देन आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं अपने जो शॉर्ट वीडियो स्पेशल इनविटेशन को जो टिक्स है, जो पिच है, एक ऑलरेडी एक पिच होता है इनविटेशन का, ठीक है। आप किसी भी कॉल पे बात करते हो ना, एक पिच होता है जो मैं पर्सनली पिच यूज करता हूँ, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगली जो वीडियो है उस पिच के ऊपर लाने के लिए, मैं पर्सनली जो पिच को यूज करके जो बेस्ट रिजल्ट मेरे को मिलता है उस पिच के लिए मैं अगली वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। वो बहुत ही छोटी वीडियो होगी, 2-3 मिनट का वीडियो होगी, मैं उस मतलब वीडियो के थ्रू प्रॉपरली आपको समझा दूंगा कि कौन सी पिच अगर आप यूज करते हो, चाहे आप व्हाट्सएप पे इनविटेशन करो, चाहे आप कॉलिंग पे इनविटेशन करो, चाहे कहीं भी आप इनविटेशन करो, वेबिनार के लिए इनविटेशन करो, जो सटीक पिच है वो मैं अगली वीडियो के मैं आप बता दूंगा, ठीक है। इसके लिए सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो एंड मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, शेयर ए शॉर्ट वीडियो। क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी स्टेप बताए आपको, ठीक है, जो पिच के बारे में, जो इनविटेशन के बारे में, इनविटेशन करने के बाद आपको तुरंत ही कॉल नहीं काटना, ठीक है। काफी बंदे क्या करते हैं, इनविटेशन करने के बाद ही तुरंत कॉल काट देते, देन उसका काम जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि बंदे व्हाट्सएप पे नहीं आते एंड वो बेवेने के लिए भी नहीं आते, ठीक है। क्योंकि इन्विटेशन करने के बाद भी जो लीडर्स है, जो ऑलरेडी अच्छे लीडर्स है, वो और भी जो 3 स्टेप है उनको फॉलो करते हैं। वो क्या स्टेप है मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। जो मैं 5वां स्टेप है वो मैं बताने वाला हूँ आपको, शेयर ए शॉर्ट वीडियो, ठीक है। अगर आपके पास कोई शॉर्ट वीडियो ना हो, ठीक है, कि अपने वेबिनार के लिए, तो जल्दी से जल्दी अपना एक शॉर्ट वीडियो बनाओ, देन उसको वो शेयर करो, ठीक है। जहां पे अपने पैसों के बारे में बताया है और भी काफी चीजों के बारे में बताया, अपने वेबिनार के बारे में बताया, वो 1-2 मिनट का वीडियो होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ऑलरेडी एक बंदे को 1-2 घंटे के अंदर वेबिनार के अंदर आने के लिए बोल रहे हो, वो क्यों आएगा अगर उसका जिस्ट, जो मेन चीज है, अगर उसको मालूम चल रहा है, ठीक है, कि आप क्यों उसको बुलाना चाहते हो, तो वो अंदर जरूर आएगा, ठीक है। अगर उस आपके पास ऐसा शॉर्ट वीडियो जो ठीक है, नहीं तो अपने जो सीनियर अपने अप्लाई ने उनको बोला ऐसे शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर फिर भी आपको नहीं मिलता, आप मेरे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, मैं अगले वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो मैं जो शॉर्ट वीडियो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा। आप चाहे तो उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करके, या फिर उसका लिंक है वो आपको शॉर्ट वीडियो के तरीके से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जो शॉर्ट वीडियो भेजने के बाद उसको ये बोलना कि ब्रदर भेजने के छोड़ नहीं देना, क्योंकि अगर आप भेज देते हो वो देखेगा नहीं, डैम सियोर वो देखेगा नहीं, ठीक है। तो उसको ऐसे कमिटमेंट करना है कि ब्रदर अगर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजता हूँ तो क्या आप उस वीडियो को देखोगे, वैसे उसको पहले उसको बोलना है। क्योंकि काफी बंदे क्या करते हैं कि
ब्रदर मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको देखना ही होगा वो, ठीक है। आप भैया देख लो देख लो देख लो, कितने टाइम में देख लो का मेरे को बताओ, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। एक सीधी सी बात में बताता हूँ, ठीक है, एक साइकोलॉजी फैक्ट है, अगर किसी भी बंदे को ऐसा फोर्स करते हो ना, तो वो 110% चांस वो वीडियो वो सही से नहीं देखेगा एंड वो इंटरेस्ट नहीं लेगा, काफी बंदे तो देखेगा ही नहीं, तो आपका रेशियो जो है वो 5% से भी कम का आने का चांसेस है, ठीक है डियर। देन उसको ऐसा बोल सकते हो आप कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो भेजूंगा काम के रिगार्डिंग, देन क्या आप उस वीडियो को देखोगे, ठीक है। देन वो जरूर बोलेगा कि हाँ भैया मैं देखूंगा, ठीक है। देन उसको फिर से आपको बोलना है, कमिटमेंट लेना कि ब्रदर देख लो, अगर मैं आपको भेजता तो आपको देखना ही होगा, ठीक है। तो अब तब वो बोलेगा हाँ ब्रदर आप मेरे को भेज दो, मैं देख के आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे खत्म नहीं करना है, इसके बाद जो सातवां स्टेप है वो आपको छठा स्टेप है वो आपको फॉलो करना है, ठीक है। वो है टाइम कमिटमेंट, ठीक है। अगर वो वीडियो आप उसको देखते हो वो तकरीबन 1 से 2 मिनट का वीडियो होगा, उसके लिए आप अगर आपको 1 दिन 1 घंटे 2 घंटे का टाइम देते हो तो बहुत गलत कर रहे हो भैया। देन उसका जो मोटिवेशन है ना बंदे का, ठीक है, वो 24 घंटे से ज्यादा लहराता नहीं है, पहली बात तो ये। देन अगर उसको 2 मिनट का वीडियो देखते हो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 से 10 मिनट का टाइम दिया करो, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो आपका काम आप खुद खराब कर रहे हो, ठीक है। उसको टाइम कमिटमेंट करने की बदल उसको ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा पीच यूज करते हो, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कि ब्रदर मैं ना भी काफी बिजी रहता हूँ, आपको पहले ही बोला है, ठीक है। तो जो वीडियो मैं आपको अभी आपको भेजने वाला हूँ तो आप ये बता दो मेरे को कब तक देख लोगे आप, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ, मेरे को शेड्यूल सेट करना होता है, आप कब तक वो वीडियो देख लोगे मेरे को टाइम बता दो। आप पहले उसको ये बता रहे हो कि कब तक आप वो वीडियो देख लोगे। देखो एक किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर काम करते हो ना, तो आप किसी भी बंदे को अगर फर्स्ट टाइम कॉल करते हो, ठीक है, तो उसको टाइम कमिटमेंट, इस टाइम आप जब उसको कॉल करोगे उसका टाइम कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। काफी बंदे ये कॉल नहीं करते, ये सबसे बड़ी गलती होती है ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, ठीक है यार। अभी कभी भी आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को चाहे इन्विटेशन के लिए हो, चाहे फॉलो अप के लिए हो, चाहे क्लोजिंग के लिए हो, जब भी आप कॉल करते हो कॉल को खत्म करने से पहले उसको ये पूछ लिया करो कि सर कि ब्रदर की डियर अब कब तक ये वीडियो देख लोगे कि ये काम खत्म कर लोगे, देन उसी टाइम पे आप उसको कॉल करोगे। ऐसा क्या होता है, इससे होता कि दो फायदे होते हैं, एक तो आपने टाइम कमिटमेंट कर दिया, आपको पता है कि इस टाइम पे इस बंदे के साथ कॉल करना है, आपने अपना शेड्यूल वैसे देख के सेट किया। देन दूसरा जो फायदा है, उस बंदे को भी पता चल जाता है कि हाँ इस टाइम पे सर कॉल करेंगे तो इसके अंदर मेरे को वीडियो देखना है, मेरे को इसके साथ देरी नहीं करनी है, ठीक है। देन अगले जो मतलब बात है वो फॉलोअप के अंदर आ जाते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। देन टाइम कमिटमेंट करना बहुत ही जरूरी होती है, ठीक है। अगर वो एक बार बता दे रहा है कि हाँ सर मैं, काफी बंदे बोलते सर मैं देख लूंगा देखो कॉल करता हूँ, आप उनको ये बोल सकते हो कि ब्रदर देखो मेरे को शेड्यूल सेट करना है, क्योंकि आपके टाइम आप जब दोगे तो तब मैं बिजी ना भी हो सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम देते हो तो आपका इसमें आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो आप उसको ऐसा बता सकते हो कि आपके पास ओनली 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का अगर आप सच में सीरियस हो, काम करना चाहते हो, क्योंकि आपको आपको ऑलरेडी पता है कि हम इस जो बिजनेस आप कर रहे हैं इसमें सीरियस पर्सन ही चाहिए, हमको वेले पर्सन चाहिए नहीं, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आप मेरे को 5 मिनट के अंदर इसको मैं कॉल करूंगा, आपको मेरे को रिव्यू दे देना। देन जो 45 मिनट या फिर 40 मिनट का वीडियो या फिर व्हाट्सएप पे उनको लाना है, देन वेबिनार पे लाना है, उसको आप देन वो उसके बारे में बता सकते हो, ठीक है। देन जो 7वां स्टेप है, ठीक है, वो जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको तुरंत ही उसका कॉल कट करना है उसके बाद, ठीक है। काफी बंदे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं उसके साथ बात करते जाते हैं, करते हाँ ब्रदर आपके घर पे कैसे ऐसे करते हैं, ऐसा कोई भी काम नहीं करना। सबसे पहले बात हुई वो फॉलो अप के मतलब फॉलो अप का पार्ट है वो, ठीक है। आप उसके घर के बारे में पूछते हो और दूसरी चीज के बारे में पूछते हो, वो फॉलो अप का पार्ट है। इन्विटेशन जितना छोटा हो सके उतना बढ़िया, ठीक है। तो इन्विटेशन जितना छोटा आप कर सकते हो करो, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादातर इन्विटेशन करते हो तो वो उसके काम नहीं, क्योंकि आपने पहले कमिटमेंट कर दिया कि आप बिजी हो, देन उसके बंदे के साथ आप 5 मिनट 10 मिनट तक कॉल करते हो, वो बंदा सोचते कि बंदा तो वेला बैठा है, इसको इसको खुद ही काम नहीं है, ठीक है। तो देन कट द कॉल एंड अपना जो इन्विटेशन है वो खत्म करो, ठीक है। तो ये अगर 7 तरीके जो आप स्टेप बाय स्टेप यूज करोगे, ये जादुई तरीके मैं कह रहा हूँ आपको, मैजिकल तरीके है, ओके जी। अगर इसको आप यूज करोगे ना तो मैं डैम श्योर हूँ आपका जो रेशियो वो 90% के ऊपर आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो मैं कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है, 90% के ऊपर आएगा, क्योंकि ये जो तरीके मैंने खुद यूज करके देखे हैं, मेरे को खुद रिजल्ट मिला है। देन मेरे को जो रिजल्ट मिला था उसके बारे में आप जानना चाहते हो, मैं नीचे इंस्टाग्राम का मेरा लिंक भेज दूंगा, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे जाना, उधर एक हाईलाइट मिलेगा आपको, मेरा हाईलाइट चेक करना, कभी मत देखना करके, मेरे साथ बंदों ने काम करके कितना कितना इनकम कमाया पहली मंथ से, उसका जो हाईलाइट वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। देन अगर इस वीडियो को आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो तो उसको मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने के लिए, एंड चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। देन इस वीडियो का मेल पे रैपअप करते हैं,
तो अगर इस वीडियो को पसंद आया तो आप मेरे को रिव्यू दे सकते हो, कॉमेंट करके कॉमेंट करो, मैं हर एक कॉमेंट की पढ़ूंगा। ओके, टिल द टाइम प्ले बिग, बड़ा खेलते।